तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैं जब भी काइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो इसी तरीका से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अपडेट करने के लिए बोल रहा है, मैं अपडेट करता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, आपका साथ ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो एंड तक ज़रूर कर देखना, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपका काइम मास्टर एप्लीकेशन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। तो आपको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम में यहाँ पे सर्च कर लें। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम में जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो डेट है आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीक़ा से कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ से पीछे कर देना है, जैसे कि 2021 ऐसे कुछ कर देना है, पीछे लेके आ जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको ओके करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे काइम मास्टर एप्लीकेशन आके ओपन करोगे तो इसी तरीक़े से जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो प्रॉब्लम था यहाँ से मतलब हट गया, यहाँ पे चला गया। तो इसी तरीक़े से आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को आपका जो प्रॉब्लम है वो उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।